खबर सासाराम से है, जहां रोहतास जिला में बालू को लेकर खेल लगातार जारी है। एक तरफ जहां माफिया तंत्र तो दूसरी तरफ जिला प्रशासन आमने सामने दिख रहा है। मामला तब और पेचीदा हो गया जब सोन नदी से डंप किए गए करीब 179 करोड़ रुपए का 5.5 करोड़ CFT बालू चोरी हो गई। मामले में अब तक विभिन्न थानों में 6 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। इस संबंध में रोहतास के SP आशीष भारती ने बताया कि पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए SIT टीम गठित की गई है, जो इस केस का अनुसंधान कर रही है। दोषी पर शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई की जाएगी। सवाल उठता है कि एक महीना में करीब 5.27 करोड़ CFT बालू आखिर कैसे चोरी हो गई, जब ट्रकों पर भर भर कर यह बालू ढोया जा रहा था। उस समय जिला प्रशासन की नींद क्यों नहीं खुली? कई सारे ऐसे कांड दर्ज हुए हैं जिसमें जो बालू जमा था उसके गायब होने की के संबंध में दर्ज कराया गया है। उसमें जो भी शामिल हैं, चाहे जो कोई कंपनी या उसके जो स्टाफ हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है और उसको उनमें जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए SIT बनाई गई है, जो उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है।